मैं क्या करूं मम्मा? ये देख। Hey guys, welcome to the 47th vlog of hashtag Chanera vlog. तो आज के अजूबा हो गया कि आज मैं पूरा तैयार हो गई हूँ और वो भी टाइम आप देख के हैरान हो जाओगे। तो टाइम हो रहा है बिल्कुल 12 और आज इतने दिनों में पहली बार मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, दैट इज मिल्क एंड ब्रेड। आपको खानी है? मुझको खानी है। ठीक है, आप भी आ जाओ। ब्रश करा आपने? पहले ये बताओ। ब्रश नहीं कर दो तो फिर नहीं मिलेगा आपको, पहले आप ब्रश करके आओ। मानस अभी आप क्या गा रहे थे? है बताओ जल्दी जल्दी, अभी मेरे मुंह पे आगे आके कह रहा है देखो देखो। क्या वो पेड़ है अपने पजामा दिखा दिखा के। अब आप पोएम सुनाओ ना जल्दी सबको। ये देख क्या कर। तो गाइस अभी हम रास्ते में और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के, हमारे घर के पास वाले हैं उसमें जा रहे हैं। तो ये वाला जो गुरुद्वारा है इसका नाम है गुरु नानक प्याओ और इसमें लिखा है नानक सर गुरुद्वारा। तो यहाँ वाले गुरुद्वारे में हमें जाना है। ये देखो मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहली बार। तो गाइस हम मंदिर दर्शन करके आ चुके हैं और हम बेसिकली यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आए थे। गाइस देखो जब भी एक चक्कर नीचे जाते हैं मानस के लिए सामान लाना पड़ता है, नहीं तो वो घर में ही नहीं घुसने देता। तो अभी इसलिए हम सामान लेके बस घर ही पहुंचने वाले हैं। अब मानस थक गए, पानी दे दो 2 मिनट प्लीज़। और ये लो हम आपके लिए सामान ले आए, पॉपकॉर्न और ये चीज़ बॉल, ठीक है, जेम्स भी है, ये लो। पर पहले खाना खाना है फिर ये खाना है, ठीक है? मम्मा आप ये एप्पल क्यों खा रहे हो? बेटा वो है ना बारहमासी फास्ट है, पूर्णिमा का फास्ट है, तो उसमें आप जरा एक्सप्लेन करो कि आप क्या करते हो। पूर्णिमासी का फास्ट होता है बेटा, इसमें फास्ट का फास्ट कर फ्रूट खाओ, दूध पियो, जूस पियो और रात को खाना खाओ। जो भी लेडीज हमारा ब्लॉग देखेंगी उनको तो बताइए, लेकिन बच्चों के लिए हम मैं इन्फॉर्मेशन ले रही थी। बच्चे नहीं रखते? बच्चे नहीं रखते ये? अच्छा पूरे दिन का रखोगे ना। गाइस देखो ये रहा मानस सबकी टांगे तोड़ते हुए। आओ आओ ठहर जा, टांगे मेरे पैर पर 4 बार मार चुका है आके, इतनी दर्द होती है। ये क्या कर रही हो मम्मा? ये मानस ने उल्टा स्वेटर पहना हुआ, मैंने भी उल्टा पहना दिया। क्या हुआ? वाह ये तो बचपन का है, अब कहाँ से फिट आएगा। वाह वाह मानस वाह, ये क्या कर रही? तो हाथी की वो ही निकाल देगा एलिफेंट की आगे की। मानस ढंग से डालो ना, ये आधी टांगे देखना ऊपर बैठा है आधा नीचे आ रहा है। नहीं क्यों आ जाएगा, तो पतला सा। अभी दिखाती हूँ मैं करके, रुको दिखो। मम्मा ये लाइटिंग सही है? खोल थोड़ी और अच्छी कर ले बेटे, दिखाइयो। ये इतने मोटे मोटे डॉट क्यों डाल देती है? और ये बच्चों की तरह तो अभी मैडम कहती है ऐसे ऐसे करने के लिए। हाँ, दिखा। मैंने कहा था अंडरलाइन करो ऐसे। ये देखो ये अंडरलाइन कर दिया है, गंदी है राइटिंग थोड़ी सी। सही में मुश्किल हो जाएगी बेटे वहाँ। पेंसिल से अच्छी आती है मेरी, देखो कितनी मोतियों वाली है। आपकी मोतियों वाली है, आपकी भी चिपकी 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 हुई है मम्मा आप बता दो। उस दिन मैंने आपका एच देखा, मेरे को आई लग रहा था वो। मैं लिखती ऐसे हूँ पर मेरी राइटिंग अच्छी है, मम्मा से पूछ ले। मैंने गाना गाना सीखा सांत दीदी। तो मानस जो है अभी नीचे जा रहा है और वो दोबारा से अभी दोबारा भी जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद मैं भी जाऊंगी और मानस और मापा। हाँ। और ये अभी भी जा रहा है तो इसको एक ही बार लेके जाओ ना। बार बार तंग करेगा, एक ही बार नीचे जा रही। तू ऐसा करो नीचे आ जाओ।
और नबू नहीं जा रही तो तेरे एग्जाम नहीं है अब तो बहुत दिन की बात है। 10 मार्च को वो भी दोपहर के बाद जहाँ भी जाना है। हाँ। तो इसके एग्जाम्स हैं। 10 9 को खत्म है। खत्म है सॉरी 9 दोपहर के बाद। 9 को नहीं 10 को बोल रही थी। अरे 9 को खत्म है 10 को खींच दोगे। तो अभी मानस जा रहे हैं। मम्मा यार इसको रोक दो ना, आप इसको क्यों लेके जा रहे हो? देखो पहले छींक रहा है। यार क्या कर रही है? एक सेकंड मानस आप घर में ही रुक जाओ। अभी 2 मिनट तक ये तो मेरे को पका देगी पीछे। अब मेरे से ना बात मत करियो, तेरे को चॉकलेट नहीं दूंगी अब मैं। मार ये ऐसी हरकतें करती है। एक तो ये कपड़े पहन लेती है ऊपर से। हाँ मम्मा 4 दिन हो गए इसको ही कपड़ों में। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था मैं कपड़े नहीं दूंगी। मम्मा ने भले ही कहा है कि सर्दियों में नहीं। ये मोटी स्वेटशर्ट है ना, ये टांग दी थी रात को नाइट सूट पहन। मम्मा वो तो ठीक है पर ये ऐसे नहीं बोलते गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये रोज कपड़े चेंज करती है मम्मा। लेकिन अलग बात है कि रोज यही पहनती है मम्मा। लेकिन आपने ये कहा था कि जो है कपड़े बढ़ाने नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि स्वेट शर्ट को 5-6 बार चला देगी। स्वेट शर्ट मोटी होती है ना, वो रोज धोने से खराब हो जाती है। तो 4 दिन 3 दिन हो ये वही पहन लेती है। और मैं रोज नहाती हूँ, हाइजीनिक हूँ मैं। या ये मानस अटेम्प्ट कर रहा है। मम्मा देखो व्लॉगिंग। मानस कह रहा है गाइस अब हम कार में हैं। है मानस आप कार में हो? आप कहाँ जा रहे हो? किसके स्कूल? किसके स्कूल जा रहे हैं मम्मा? ये किसके स्कूल जा रहा है? नबू का। नबू का जिसके स्कूल जा रहे हैं मम्मा? वो तो घर बैठी है। नबू का नहीं, हम मानस का चेक करने जा रहे हैं ऐसी स्कूल, मतलब पता वता करने कुछ। अरे पता करने जा रहे हैं स्कूल में, भले ही रात हो रही है लेकिन हम इस टाइम पे जा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी बहुत मिल ही जाएगी ना। पूछियो। अच्छा तो अभी हम आपको स्कूल रिवील नहीं करेंगे, हम ऐसी बात करने जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पे वो क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं टीचर। जो नहीं होगी गार्ड ही मिलेंगे इस टाइम पे, तो उन्हीं से पूछ लेंगे टाइमिंग्स क्या है सब कुछ वगैरह, है ना मानस? तो गाइस आज डिनर में है पनीर की भुर्जी, ये तो मेरी फेवरेट है मम्मा, ये अच्छी बनाई है आपने। नबू को हम अकेला छोड़ के गए थे घर में क्योंकि नबू के पेपर है, तो नबू पढ़ रही थी, है ना? और क्या, वैसे भी अब तो होली कहाँ, अब तो होली बाद में ही आएगी। होली चलो फ्री है, इसका सेक्शन तो अप्रैल में शुरू होगा। हाँ थोड़ा उस दिन गई थी, 3 मार्च की होली है तो मैं बिल फंस जाऊंगी। अब बस चले 19 मार्च की है। सो गाइस अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और जो अभी हम गए थे ना मानस के स्कूल में, तो पहले तो मम्मा पापा कहीं गए थे, फिर उसके बाद मेरे को नीचे बुलाया तो मैं गई थी मानस के स्कूल। मतलब हम वो रिवील नहीं करने वाले, वैसे मानस जैसे 3 इयर्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम अभी सॉरी 3 इयर्स का हुआ नहीं है, अप्रैल में हो जाएगा। गलती से डेट निकलने वाली थी मेरे मुँह से, बट गलती से अच्छी बात है नहीं निकली। और मानस जो की है हम उसका सोच रहे थे क्योंकि 3+ को नर्सरी में एडमिशन मिलता है, तो इसलिए वो प्ले स्कूल या नर्सरी में 3+ को मिलता है, प्ले स्कूल में 2+ को मिल जाता है। लेकिन मानस जो है वो अभी हम सोच रहे नर्सरी में कराए, प्ले स्कूल का ना कोई बेनिफिट नहीं दिखता, तो हम स्कूल नहीं रिवील करेंगे। और वहाँ पे हम गए भी थे तो हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम उन्होंने कहा था कि कॉल करके पूछ लेना, तो अभी इसलिए हमने अभी पूछा नहीं, अब हम कल ही पूछेंगे, कल ही बात करेंगे। तो इस ब्लॉग का कहते हैं यहीं पे एंड। और बाकी और जॉइनी कहानियाँ, नमक ड्रामा, मानस की नटंकी, सब कुछ देखने के लिए इस ब्लॉग को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, मेरी बाकी वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करें, मेरी इस वीडियो को भी लाइक शेयर करें।